कटरीना कैफ के बाद रणबीर की जिंदगी में कौन है, ये हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, कभी कमल हासन की बेटी श्रुति हासन से रणबीर का नाम जुड़ता है तो कभी श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस से। इन दिनों जैकलिन फर्नांडिस के साथ बढ़ती करीबियों को लेकर रणबीर काफी चर्चा में है। हाल ही में हुए एक फुटबॉल टूर्नामेंट में दोनों साथ नजर आए और प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना था कि पूरे समय रणबीर की नजरें जैकलिन पर टिकी रहीं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ था कि कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर किस तरह जैकलिन को फ्लर्ट करने वाले मैसेज भेज रहे हैं। अब इस अफेयर के अटकलों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में रणबीर की जिंदगी में अब जैकलिन आ गई है, इस तरह के सवालों के जवाब तो रणबीर और जैकलिन के पास ही होंगे। वैसे एक लीडिंग वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार रात जैकलिन एक रेस्टोरेंट में नजर आई और वहां उनसे पूछ लिया गया कि क्या रणबीर के साथ उनकी दोस्ती कुछ खास है, तो पहले जैकलिन ने चौंकाने वाला चेहरा बनाया और फिर अपने मैनेजर की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने वही सवाल दोहराया। साफ था कि रणबीर के साथ लिंकअप की अटकलों को लेकर जैकलिन कोई बात नहीं करना चाह रही थी, मगर उन्होंने सवाल दोहराया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जैकलिन ये भी दिखाना चाह रही थी कि इस तरह की अटकलों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही वो आग में घी डालना चाहती थी, इसलिए वहां से बिना जवाब दिए चली गई। मगर बात तो वहीं की वहीं रह गई, जैकलिन ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। अब देखते हैं रणबीर इस पर कुछ बोलते हैं या जैकलिन की तरह स्मार्ट तरीके से बच निकलते हैं। आपको बता दें कि फिल्म रॉय की शूटिंग के दौरान पहली बार रणबीर और जैकलिन के बीच करीबियां बढ़ी थी, मगर उस समय रणबीर की जिंदगी में कटरीना थी और इस वजह से जैकलिन दूर हो गई थी।